पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात घाटी बिट बिलिंग में पहली बार भारतीय सेना के इंटर सेवा सेना के बीच पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ दाह डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल ए के स्मत्रा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी पैराग्लाइडर पायलटों का स्वागत किया। प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को होगा, जिसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में थल सेना, नौसेना, वायुसेना, वीएसएफ तथा असम राइफल के लगभग 24 पायलट भाग ले रहे हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में ब्रिगेडियर एसपीएस प्रहार, ब्रिगेडियर खुशमीत सिंह, अन्य कई सेना अधिकारी, एसटीएम बैसनाथ, विकास शुक्ला ने भी भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न सेना के कुल 23 पायलट भाग ले रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना के सबसे ज्यादा पायलटों में हवलदार एक कुपुस्वामी नायक आशीष हवलदार थाकबोए, हवलदार आकाश सिंह नायक, रंजीत सिंह नायक, सुनील कुमार हवलदार, रोस गुरंग नायक, प्रवीण कुमार। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर पंकज शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर सचिव वर्मा, लेफ्टिनेंट बी के सिंह व पेटी ऑफिसर ए रमेश, भारतीय वायुसेना के सर्जेंट एम के विश्वास, भास्कर शर्मा, विशाल शर्मा, सुनील गौतम, अंकुश पठानिया, असम राइफल के राइफल मैन केसर सिंह यादव, सुरेंद्र कुमार, अमृत एस जमाटिया तथा वीएसएफ की ओर से हेड कांस्टेबल पीके नायक, कांस्टेबल चीन सिंगिंग, रतीश कुमार ने भाग लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि 3 दिन की प्रतियोगिता में सभी पायलटों को 5-5 चांस दिए जाएंगे और जो सबसे ज्यादा अंक अर्जित करेगा वही विजेता होगा। दाह डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल ए के स्मत्रा प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि पैराग्लाइडिंग पायलटों को अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने तथा अपना शानदार प्रदर्शन करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि कैंप में पायलटों के प्रशिक्षण कर विलिंग में उड़ान के दौरान कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भी परिपूर्ण बने। उन्होंने कहा कि बिट बिलिंग घाटी दुनिया की दूसरी पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर एरोस्पोर्ट्स साइट है, जिसमें पूरी दुनिया के पायलट इस घाटी में अपना कौशल बढ़ाने के लिए आते हैं। ये घाटी पायलटों को पैराग्लाइडिंग कौशल और विशन नियंत्रण क्षमताओं का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण करने के लिए उत्कृष्ट स्थान प्रदान करती है। इस क्षेत्र में अग्रणीय रहते हुए भारतीय सेना पहली बार ऐसी पैराग्लाइडिंग का आयोजन कर रही है। हाँ जरूर, हिंदी में भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जब फौज में रहते हैं हिंदी है, नहीं, हमारा एक मुख्य लैंग्वेज रहता है। तो हम ये बोल रहे थे कि ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन ऑलमोस्ट एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, क्योंकि इस कंपटीशन में हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, असम राइफल्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कंपटीशन के दौरान जो स्किल ये लोग सीखेंगे, उनको मदद करेगा कि वो नेशनल लेवल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में अच्छी तरह हिस्सा ले सकें और उनके अच्छे से अच्छे पोजीशन आएंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये वर्ल्ड का सेकेंड बेस्ट और सेकेंड हाइस्ट लोकेशन है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे जो जीतेंगे ये लोग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भी अच्छे पोजीशन हासिल करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग यहाँ पे, जो कम्पिटिटर्स यहाँ पे जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आने वाले समय में सर सेना की तरफ से सर कितने यहाँ पे कॉम्पिटिशन में भाग लिया जाएगा या पहली बार? हमारा ये जो आर्मी ट्रेनिंग नोड है, ये नोड में हम लोग 4 किस्म का अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ये इसलिए है कि जो यहाँ पे मिलिट्री इंडियन आर्मी के जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो अच्छी तरह अपना ट्रेनिंग करें और कंपटीशन में हिस्सा लें। जैसे कि ये एक हमने कंपटीशन किया है कि मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेज का कंपटीशन है, इंटर सर्विसेज आप बता सकते हैं, ऑलमोस्ट एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी हमारा टीम हिस्सा ले। हमारा ये कोशिश भी रहेगा कि हर एक साल एक इस लेवल का और इससे अच्छे लेवल का कंपटीशन हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। ये सिर्फ असम राइफल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा आईडीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सबको भी हम शामिल करके अच्छे से अच्छे लेवल का कंपटीशन करेंगे यहाँ पे।